चलो बेटी, अच्छा चलो मेरे साथ। दानिश, तुम अभी इसी वक्त मेरी बेटी को तलाक दो। अरे 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 दानियाल, शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या बात कह दी तुमने? जिस दिन वलीमा हो रहा है बच्ची का, उसी दिन तुम तलाक की बात कर रहे हो? वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। देखो सर, ये होता है नेकी का सिला। दानियाल, हमने तुम्हारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाया, अपनी आंखों पे, अपनी पलकों पे, अपने सर पे बिठाया, और ये है कि ये तलाक की बातें कर रहे हैं। वो बच्ची जिसकी बारात दरवाजे से चली जाए ना, कोई उसे अपनाता नहीं है। हमने हमने ये बड़ा दिल करके उस बच्ची को अपने सीने से लगाया, और ये आ गए तलाक की बातें कर। मेरा अल्लाह जाता है, तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुन के मेरा कलेजा भूख। हेलो, मैं आपसे माफी मांग तो रहा हूँ, अब रहने देना, छोड़ दें, नहीं होगा इंदा। मत मांगो माफी मुझसे। एक ही दिन में तुम सब लोगों का असल चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं ही बेवकूफ जो अपनी बेटी मैंने तुमसे ब्याह दी। सायदा ठीक कहती थी कि तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। भाई सायदा को तो अब से हमेशा गई बैर। कब उसने हमें अपना तस्लीम किया, सगा तस्लीम किया? उसके दिल में तो हमेशा से हमारे लिए ऐसा कीना था। हम गरीब जरूर है, हम जलील नहीं है भाई, हम अपनी इज्जत बना के लाए। ऐसी हमारी मोहब्बत को तार तार ना करो तुम। बहुत एहसान किया है आपने मेरी बेटी पर, बहुत अच्छा सलूक किया आपने इसके साथ। उसके सिले में मैं सारा सामान और जेवर आपको देकर जा रहा हूं। सिर्फ अपनी बेटी को यहां से लेकर जा रहा हूं। चलो बेटा, उठो, चलो मेरे साथ। कहीं नहीं जाऊंगी बाबा। कर ही जाऊंगी अब इस घर से। यही कहा था ना, यही वादा लिया था मुझसे, अब मैं अपना वादा निभाऊं। अन्या बेटी, इन लोगों में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहां आपकी मर्जी से आई। अगर अब रहूंगी यहां अपनी मर्जी से। फिर चाहे मेरे साथ जो भी, किसी को भी मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। दानिया? बाबा आपसे बस इतना ही कहूंगी, दोबारा यहां मत आइएगा, जाए यहां से। दानिया, बेवकूफे की बातें मत करो, तुम इन लोगों में नहीं रह सकते। चलो मेरे साथ घर चलो। चले जाए यहां से।